हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। उसका टॉपिक रहेगा सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। मतलब कि हम देख चुके थे कि एल्गोरिथम को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या क्या था। पहला हमारा नेचुरल लैंग्वेज था, सेकंड सुडो कोड था, थर्ड फ्लो चार्ट है, एंड देन हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम दो देख चुके हैं और फ्लो चार्ट का फर्स्ट लेक्चर भी देख चुके हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है, कैसे इसमें कैसे हम किसी भी आइडियाज को हम फ्लो चार्ट के हेल्प से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम फ्लो चार्ट को बनाने के लिए सिम्बॉल यूज होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लो चार्ट हमारा क्या है, एक ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ग्राफिकल मतलब कुछ कुछ सिम्बॉल यूज होते हैं। ठीक है, तो वो सिम्बॉल का क्या मतलब होता है, कौन से सिंबल का क्या मतलब होता है, कौन से सिंबल का क्या मतलब होता है, तो ये हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एडोग्राम अकेडमी में कुछ कलीग हो गए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ क्वेरी पूछना है, कुछ अगर क्वेश्चन होगा आपके मन में, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, और राइट साइड में हमारा एडोग्राम अकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है, जो आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अभी हम देखते आए हैं, जितने भी पहला PDF देखे थे और अब तक जो आगे देखने वाले, सारा PDF वहाँ अवेलेबल है, वो भी फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो भी कोर्सेज अवेलेबल है डेवलपमेंट अकेडमी के, वो भी वहाँ अवेलेबल है, आप जब वहाँ से देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक हम देखे थे कि मेरा क्या है, सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट कब यूज करना है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट कब हमारा पहला है कि कम्युनिकेट, मतलब कि अगर हमें किसी जो क्लाइंट है, मतलब जो हमारा बिजनेस पीपल है जिसे सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, तो वो प्रोग्रामर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उस दोनों का कम्युनिकेशन होना चाहिए। कैसे करेगा वो, तो फ्लो चार्ट की हेल्प से करेगा। कि बिजनेस पीपल जिसे चाहिए सॉफ्टवेयर, वो क्या करेगा, वो बताएगा, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जानता नहीं है, तो वो क्या करेगा, फ्लो चार्ट की हेल्प से बताएगा मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें ये स्टेप्स होनी चाहिए। ठीक है, तो वो डेवलपर जो है हमारा, हम जो प्रोग्रामर होते हैं, तो वो हम लोग से समझते हैं कि अच्छा आप ये बोलना चाह रहे, तो उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, या फिर जैसे अभी हम देखें कि कोई अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, कोई डेवलपर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो पहले उसको एक फ्लो चार्ट प्लान तैयार करेगा, क्योंकि फ्लो चार्ट तैयार करने से उसे ईजी होगा, इफिशियंट होगा, टाइम कम लगेगा समझने में किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी आइडियाज को। ठीक है, तो उसके हेल्प से वो कर पाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ये कहाँ, कि अगर कोई जैसे जैसे किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो आप, अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट की हेल्प से उसे बताओ कि आपका थर्ड स्टेप के बाद ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, एंड देन वो प्रोग्रामर जो डेवलप कर रहा है, वो पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, एंड देन सेकेंड, फिर देन थर्ड, उसके बाद वो वहाँ इंसर्ट करेगा नेक्स्ट प्रोग्राम कि आपको ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, ओके, मतलब आई कैन डू इट, उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हाँ, मतलब कोई फ्लो चार्ट के हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि मतलब फ्लो कैसा है, कि अगर हमारा फर्स्ट सिंबल है, फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद कौन किधर जाना है मेरे को, मतलब जैसे हम देखेंगे पहले बाद में कि फ्लो चार्ट कैसे होता है, कैसे उसका डायग्राम होता है, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं कि अगर पहला फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, उसके बाद हमें कौन सा स्टेप्स जाना, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये हमारा प्रोसेस बताता है, एक हमारा फ्लो बताता है। ठीक है, डाटा का फ्लो कह सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि एस्टेब्लिश करता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब अगर मान के चलिए जैसे जैसे अभी देखे थे, एक बिजनेस पीपल है, उसे चाहिए, उसे आइडियाज़ उसके पास है, बट वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जान रहा है, तो वो क्या करेगा, फ्लो चार्ट की हेल्प से वो बताएगा। तो ये हमारा एक इस्टेब्लिश्ड हो गया, हम दोनों हम प्रोग्रामर और फिर ये बिजनेस पीपल के दोनों के मन का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन पाया, किसके हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अगर अगर कोई जैसे फ्लो चार्ट आप डेवलप
करके कोई दे रहा है या फिर आप खुद डेवलप कर रहे हो, तो ये हमें रिडंडेंट जो स्टेप्स होते हैं, मतलब जो बार बार यूज किए, जो फ्रिक्वेंट मतलब जो स्टेप्स होते हैं, उसे हम मतलब क्लियर हो पाता, हम क्लियरली देख पाते, क्योंकि वो ग्राफिक है, वो सिंबल है, हम देख पाते हैं अच्छा ये सिंबल यहाँ है, ये सिंबल यहाँ भी है, तो दोनों अलग है या फिर दोनों सेम ही है, तो हम क्लियर रूप से देख पाते, तो हम रिडंडेंट जो होते हैं, जो बार बार अगर सेम ही चीज़ यूज हुआ तो हम उसे हटा पाते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि यहाँ जैसे ये मेन पॉइंट है, ये हमारा फ्लो चार्ट क्या करता है, टीम मेंबर के लिए हेल्प करता है, कैसे करता है ये देख रहे हैं कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है, अगर टीम जैसे मान के चलिए 5 पेपल है, ठीक है, 5 बिजनेस पेपल ही मान लेते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग फ्लो कोई सॉफ्टवेयर है ये होना चाहिए, कुछ अलग स्टेप्स होना चाहिए, एंड देन अनदर पीपल के तरफ से कुछ अनदर स्टेप्स होने चाहिए, तो ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट में हम डेवलप करते हैं। अगर सोचिए कि हमारा प्रोजेक्ट नहीं रहता डायरेक्टली, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से करना होता, तो हम क्या करते हैं पहले के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम कितना हेक्टिक है बनाना, मतलब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना थोड़ा टाइम लगता है, उसमें पेशेंस का नीड होती है, एंड देन अदर बोल रहा है नहीं ये गलत है या फिर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो फिर वहाँ उसको ढूंढना पड़ेगा और फिर वहाँ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा ये टाइम भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा करते करते बाद में हैक्टिक लगेगा, डिफिकल्टी थोड़ी लगेगी, क्या कर रहे हो भाई, देन वो क्या करेगा फ्लो चार्ट की तरह से बताएगा मुझे आपका स्टेप ठीक है, एंड देन आपके थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप का मुझे ये ऐड करना है, तो वो सिंपली ऐड करके बता देगा प्रोग्रामर को कि लो भाई मुझे ऐसा करना है, तो वो उसे ईजी होगी समझने में, ठीक है। तो ये टीम वर्क के हेल्प कैसे किया, एक प्रोवाइड एक हमारा मतलब जो इनपुट है, जो रिसोर्सेस है, वो आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प किया, एंड देन हमारा कुछ हाँ डाटा कलेक्शन जो यूज हुआ उसको मॉनिटरिंग करने में, उसको मैनेजमेंट करने में भी हमारा हेल्प किया, एंड देन हमारा इंक्रीज इफिशियंसी, इफिशियंसी इंक्रीज मतलब ये बोल सकते हैं कि जैसे कि अभी हम देखें कि अगर आपको कोई प्रोग्राम बना लिए या सॉफ्टवेयर बना लिए, उसके बाद आपको कोई बोला मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो फिर ये टाइम भी ज़्यादा लगा या फिर कुछ एरर भी आ सकते हैं, आप क्लियर रूप से इसके जो भी प्रोग्राम होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं उसके क्लियरली आप एरर को ढूंढ नहीं पाइएगा, अगर ढूंढ भी लेते हैं टेस्टिंग के हेल्प से हम ढूंढ भी लेते हैं तो हो सकता है कुछ माइनर उसमें एरर बचा रह जाए, बट हम फ्लोचार्ट अगर यूज करते हैं तो फ्लोचार्ट के हेल्प से हमें क्लियर दिखाई दे देता है, क्योंकि उसमें तो कुछ ढूंढना रहता है ना, उसमें हमें कुछ कंसंट्रेशन जरूरी नहीं होता, तो हम डायरेक्टली देख पाते हैं कि सिंपली व्यू हम ले पाते हैं कि अच्छा ये सिंबल यहाँ यूज हुआ, वही सिंबल यहाँ भी यूज हुआ, तो दोनों में कुछ इनपुट अलग है तो ठीक है, तो फिर रिडंडेंट नहीं है, तो ऐसे हम जान पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि देखिए रिकमेंडेड है फ्लो चार्ट, क्यों रिकमेंडेड है किसी भी ग्रुप डिस्कशन के लिए, क्योंकि क्योंकि ये कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम अभी देखें कि ये हमारा जैसे प्रोग्राम, अभी हम देखें कि प्रोग्राम को बनाते वक्त हमें कोई हैक्टिक हो जाएगी या फिर कोई इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, कोई मॉडिफिकेशन ज़रूरी है, तो हम उसे दोबारा करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम फ्लो चार्ट की हेल्प से कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पफुल हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ये यूजफुल होता है डॉक्यूमेंटिंग के लिए, डॉक्यूमेंटिंग हम पहले लेक्चर में देख चुके थे, डॉक्यूमेंटिंग क्या होता है, डॉक्यूमेंटिंग मतलब ये होता है कि यहाँ इनपुट आउटपुट जो जैसे कि कोई अगर आपको सॉफ्टवेयर है तो उसमें क्या इनपुट देने से क्या आउटपुट होगा और अनदर इनपुट देने से क्या अनदर आउटपुट होगा, वो सब हम जान पाते हैं, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट हो पा रहा है, जितने भी इसमें निकल सकते हैं इनपुट आउटपुट के, जो भी जितने भी वे हो सकते हैं, सारा हम एक साथ हम मतलब जितने प्रोसेस होते हैं उसको एक साथ डॉक्यूमेंट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्लो चार्ट आर वेरी यूजफुल टू कम, हाँ वो तो हम देख चुके थे वहाँ, और किसी भी लॉजिक को जैसे कि मांगे चले कोई पीपल है जिसके पास ना आइडियाज़ भी नहीं है, मतलब वो बिजनेस पीपल या क्लाइंट भी नहीं है या फिर वो प्रोग्रामर भी नहीं है, थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी के पास ना आइडियाज है ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जान पा रहा है, तो उसे हम कैसे बता पाएंगे ये सॉफ्टवेयर के लिए में ये हेल्प है इसलिए आप ले लो या फिर कुछ भी ऐड करने के लिए, तो हम फ्लो चार्ट की तरह से बता पाएंगे कि ये ऐसा है तो इसमें ऐसे से कीजिएगा, फ्लो चार्ट में ये स्टेप कीजिएगा तो ये होगा, ये स्टेप कीजिएगा तो ये होगा, तो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से, फ्लो चार्ट तो कोई भी समझ सकता है, तो उसके हेल्प से हम बता सकते हैं उसको, ठीक है, किसी भी लॉजिक को। अब हमारा
नेक्स्ट टॉपिक को रहेगा फ्लो चार्ट सिम्बॉल एंड गैलिंग, जो हमारा मेन टॉपिक था इस लेक्चर का, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ स्पेशल सिम्बॉल है, उस सिम्बॉल के बारे में पढ़ेंगे। और इवन कुछ ऐसे सिम्बॉल होते हैं जो हमें जब रिक्वायरमेंट होती है, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तब हम डेवलप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम वो सिम्बॉल बस पढ़ेंगे जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जो एक सिंपल प्रोग्राम के लिए यूज होता ही है, पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ देखते हैं। पहला हमारा रहेगा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब होता है कि टर्मिनेट मतलब जैसे कि अगर कोई प्रोग्राम ख़त्म होना है, एंड होना है, देन हम लगाते हैं ये ओवल शेप, ओवल फ्लो चार्ट शेप, ठीक है। मतलब एक 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 देखे होंगे, एक अंडा, ठीक है, उसके शेप का होता है ये, ठीक है। तो उसके शेप जैसा मतलब ओवल शेप हुआ, तो वो हम स्टार्ट जब करते हैं किसी प्रोग्राम को या फिर किसी प्रोग्राम को एंड करते हैं तो हम ओवल शेप यूज करते हैं, और हम वहाँ लिखते हैं स्टार्ट। अगर ऐसे जैसे टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ लिखते हैं स्टार्ट, या फिर हम यहाँ लिखते हैं एंड जब हमें एंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस। अगर जैसे कि अगर आपको कोई प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो स्टार्ट आप ओवल शेप लगा लिए, एंड देन अगर किसी भी सम करना, जैसे कि तीन तीन नंबर लिए, ठीक है, तो तीन नंबर को सम करना या फिर मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर कर रहा है, मतलब हम तो नहीं कर रहे ये चीज़ प्रोसेस, तो कंप्यूटर जो कर रहा है उसको हम एक रेक्टेंगल्स फ्लो चार्ट शेप में हम उसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि अगर रेक्टेंगल डायग्राम बना लेंगे, उसमें जो प्रोसेस कंप्यूटर कर रहा है, सम करना है तो सम कर रहा है, तो वो हम अंदर बता लिख एक डायग्राम बना के, रेक्टेंगल डायग्राम बना के हम वहाँ लिख लेंगे, तो हम समझ जाएंगे ये प्रोसेस कंप्यूटर के द्वारा हो पा रहा है, ठीक है। तो वह प्रोसेसिंग का जो भी काम होता है वो हम रेक्टेंगुलर शेप से हम जान पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिसीजन। मतलब अगर कोई डिसीजन लेना है, मतलब जैसे जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल है या कॉलेज है, तो हम उसमें अगर इस कॉलेज का क्राइटेरिया हो कि अगर जिसको 75 से ऊपर और 100 मतलब 100 तक रहे तो वो फर्स्ट डिविजन होगा। तो हम डिसीजन मेकिंग का ये डायग्राम होगा हमारा डायमंड शेप का, ठीक है। इसको रोम्बस भी हम लोग मैथ में जानते हैं, रोम्बस शेप कह सकते हैं। तो डायमंड शेप का होगा, उस पर हम लिखेंगे कि अगर जिसका 75 to 100 के बीच में रहेगा वो फर्स्ट डिविजन, अगर नहीं है यानी यस, अगर ऐसा है, यहाँ हम कंडीशन लिखेंगे 75 to 100, तो यस अगर ऐसा है तो वो फर्स्ट डिविजन, नो तो फिर 50 से ऊपर है तो सेकेंड डिविजन, एंड देन ऐसे ही मतलब हम डिसीजन कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो ऐसा, यस है तो फर्स्ट डिवीज़न, नो है तो सेकंड या थर्ड डिवीज़न या कुछ भी, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कनेक्टर। मतलब कनेक्टर हम कब यूज़ करते हैं, कि अगर मान के चलिए फ्लो चार्ट तो बहुत लंबा भी हो सकता है, या हम इसको कंप्यूटर की हेल्प से भी बना सकते हैं या पेन कॉपी की हेल्प से बना सकते हैं, तो अगर ज़्यादा लंबा है तो हम दूसरे पेज के लिए हमको नीड होगी, तो हम अगर दूसरे पेज में भी फ्लो चार्ट है, एक ही फ्लो चार्ट का दूसरा मतलब पार्ट उसका दूसरा पेज में है, तो हम क्या करेंगे, कनेक्टर लगा देंगे लास्ट में, कि उससे हम समझ पाएंगे या कोई प्रोग्रामर या फिर कोई समझ पाएगा कि अच्छा नेक्स्ट पेज में भी हमारा इस फ्लो चार्ट का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो हमारा सर्कुलर शेप होता है, सर्कुलर शेप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डाटा। डेटा मतलब ये हुआ कि अगर जैसे जैसे अभी लिए थे एग्जांपल कि आपको सम करना है, प्रोडक्ट करना है, तो सम करना है तो यूजर से आप पहले डेटा मांग रहे हो कि आप मुझे सम करना है तो तीन नंबर या दो नंबर दो, तो दो नंबर वो देगा, तो ये इनपुट लेना हुआ, तो इसे हम क्या करते हैं, पैलोग्राम की हेल्प से कर पाते हैं, ठीक है। पैलोग्राम इसे इंडिकेट करवाते हैं कि इनपुट लेना है या फिर आउटपुट देना है, तो हम पैलोग्राम की हेल्प से कर पाते हैं। जैसे कि इनपुट ले लिए आप, तो ये पैलोग्राम में दिखा दे कि मुझे रीड ए बी सी, एंड देन उसे प्रोसेस करना है सम या फिर कुछ प्रोडक्ट करना है, तो हम सम प्रोसेस को रेक्टेंगुलर शेप में हम देखे थे कि रेक्टेंगुलर शेप में दिखा दिए, अंदर हमें आउटपुट दिखाना है, तो फिर हम पैलोग्राम यूज करेंगे, उसके बाद हम उसको यूजर को आउटपुट दिखा देंगे। इनपुट आउटपुट के लिए हमारा पैलोग्राम यूज करते हैं, और फिर अगर कोई प्रोसेस करना है तो हम रेक्टेंगुलर शेप यूज करते हैं, ठीक है, और कोई स्टार्ट इंड वो उसके लिए ओवल शेप यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिले। डिले मतलब ये होगा कि मान के चलिए अगर किसी सॉफ्टवेयर में तो ऑफकोर्स एक से ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं, तो हम दो तीन मान के लिए तीन प्रोग्राम है, तो एक प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो दूसरे प्रोग्राम के लिए इनपुट रहेगा, ठीक है, और दूसरा प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो तीसरे प्रोग्राम के लिए इनपुट रहेगा। तो कुछ जब तक फर्स्ट प्रोग्राम आउटपुट नहीं देगा तब तक हमारा सेकंड प्रोग्राम इनपुट नहीं लेगा, तो ये हमारा डिले लगा देते हैं कि जब तक आप दे नहीं दोगे तब तक ये डिले है, तब तक ये नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लिए हम डिले
यूज करते हैं। ये हमारा ऐसा वाला ठीक है, सिंबल आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एरो। एरो तो हम डेली यूज में यूज करते हैं कि हमें यहाँ इधर से मान लीजिए टॉप टू बॉटम जाना है, तो टॉप टू बॉटम एक एरो पता चल जाता है कि मुझे टॉप टू बॉटम जाना है, तो या फिर मुझे नॉर्थ जाना है तो नॉर्थ डायरेक्शन बता देते हैं कि नॉर्थ जाना है। तो एरो वही है कि मुझे डायरेक्शन बताता है, फ्लो बताता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। सेम उसी तरह फ्लो चार्ट में भी अगर फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे जाना है तो हम एरो दिखा देते हैं कि मुझे फर्स्ट का सेकंड ही जाना है। ठीक है, तो उसके वो एरो सिंबल से बता देते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ गाइडलाइन सिंबल तो देख चुके, अब गाइडलाइन क्या है इसे यूज करने के लिए। ठीक है, पहला है कि हम अगर हाँ जैसे कुछ लॉजिकल लॉजिकली कुछ उसका लॉजिक है किसी भी प्रोग्राम का या फिर सॉफ्टवेयर का, तो हम उस लॉजिक को सॉफ्ट लॉजिक ऑर्डर को या फिर लॉजिक जो रिप्रेजेंट करना है लॉजिक उसके, तो उसके लिए हमें कुछ लिस्ट आउट कर पाएंगे कि हम ऐसा ये सिंबल यूज करना है, उसका ये सिंबल यूज करना है, तो ये हमें पहले से लिस्ट आउट करना पड़ेगा जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्लोचार्ट को डेवलप प्रॉपर फ्लोचार्ट डेवलप हम कर पाएंगे। ठीक है, और फ्लोचार्ट हमारा नीट क्लियर एंड ईजी होना चाहिए। ठीक है, तब तब ये ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगा। नीट मतलब साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए और इजी होना चाहिए। इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती है फ्लो चार्ट में, मतलब इजीली रूप से पता चलता है कि ठीक है ये स्टार्ट का सिंबल है, उसके बाद ये प्रोसेस का इनपुट आउटपुट एंड देन प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग एंड देन आउटपुट, सिंबल मतलब सिंपल एकदम। ठीक है, सिंबल एंड देन हमारा हाँ मतलब इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं पता चलता, जैसे कि हम देखे थे अभी कि क्लियर होना चाहिए, तो क्लियर अगर होगा, नीट होगा, क्लीन होगा, तो हमें एम्बिग्यूटी नहीं दिखेगा। अगर एम्बिग्यूटी रहेगा भी तो हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे बहुत बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अच्छा यहाँ ये गलती है, यहाँ एरर है या फिर एम्बिग्यूटी है। ठीक है, एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है, एरर होता है, गलत कुछ गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि फ्लोचार्ट को हम कैसे रीड करना है, कैसे रीड करना है। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल रहा तो हम लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, अगर मेरा वर्टिकल रहा तो हम टॉप टू बॉटम रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि हाँ मतलब अगर प्रोसेस का सिंबल है, यानी मतलब प्रोसेस में सम या फिर मल्टीप्लाई जो कंप्यूटर करता है उसको जो हम रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल शेप यूज़ करते हैं, तो वो प्रोसेस का सिंबल है उसमें वन फ्लो लाइन कमिंग और मतलब एक ही लाइन कमिंग आउट होना चाहिए, उससे एक ही लाइन निकलना चाहिए, इन नहीं आउट, आउट एक ही लाइन निकलना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इन कितना भी हो सकते हैं बट आउट एक ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल में उल्टा है, उसमें क्या है कि आप इन एक ही देना है बट आउट कितने हो सकते हैं, प्रोसेस से जस्ट अपोजिट है हमारा। प्रोसेस में क्या था, इन एक नहीं होना चाहिए, कितने भी हो सकते हैं, मतलब नहीं क्या एक भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, बट आउट तो हमेशा एक ही होना चाहिए। बट डिसीजन सिंबल में क्या है कि इन हमारा एक ही होगा। ठीक है, आउट कितने हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टर्मिनेशन। टर्मिनल में दो जो हमारा स्टार्ट और एंड का होता है वहाँ हमारा एक लाइन ही होना चाहिए कंजक्शन विद्या, मतलब एक लाइन इनपुट, एक मतलब एक ही लाइन कंजक्शन हो जाए, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, चाहे आपको स्टार्ट कर रहे हो तो एक लाइन नीचे आना चाहिए, अगर आप इंड कर रहे हो तो एक लाइन इन होना चाहिए बस। ठीक है, अब उसका देख रहे हैं कैसे कैसे ये काम कर रहा है, जैसे कि स्टार्ट किए आप, फिर प्रोसेस हो रहा है, फिर डिसीजन हुआ हाँ ये चॉइस ये हो गया, यस है नहीं है, तो यही प्रोसेस फिर रिपीट होगा, तो हमारा क्या हो रहा है एक प्रोसेस से, जैसे कि स्टार्ट है मान के चलते एक ही निकल रहा है, यहाँ आउट हो रहा है और इन हो रहा था, एक ही इन हो रहा है, मतलब बस इसमें एक एरर आना चाहिए। प्रोसेस स्टेप में क्या है हमारा एक उसमें से इन कितने भी हो रहे हैं बट आउट एक ही हो रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं, आप कोरिलेट कर पाइएगा, वहाँ सारा दिया हुआ है स्टेटमेंट, आप वहाँ से कोरिलेट कर लीजिए। ठीक है, समझ पाइएगा। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है कि अगर आपको दो नंबर दिया गया हो, उस दो नंबर में ढूंढना है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, तो हम इसका एल्गोरिथम क्या होगा, पहले हम यूजर से दो नंबर लेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, रीड ए बी, उसके बाद हमारा क्या किया कि अगर इफ मतलब अगर, ठीक है, इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए छोटा है बी से तो बी बड़ा हो गया, तो बिग में हम बी डाल दिए और स्मॉल में हम ए डाल दिए। अगर नहीं मतलब एल्स, एस अगर नहीं है मतलब ए अगर छोटा नहीं है बी से, तो इट मीन्स क्या ए बड़ा है, तो बिग में हम ए डाल देते हैं और स्मॉल में हम बी डाल देते हैं, तो फिर हम डिस्प्ले कर देते हैं लास्टली कि बिग
जो हमारा लास्टली जो बिग में आया, चाहे ए चाहे बी, तो वो डिस्प्ले हो गया कि बिग आपका ये है और स्मॉल आपका ये है। ठीक है, इसका फ्लोचार्ट कलम से देख लेते हैं कि इसमें क्या स्टार्ट स्टार्ट तो करना है, किसी भी फ्लोचार्ट में स्टार्ट तो करना ही है और स्टॉप तो करना ही है। ठीक है, तो स्टार्ट किया, उसके बाद हमें इनपुट ले रहे हैं आप ए बी, तो हम क्या किए पैलोराम का यूज़ किए और इनपुट लिए। उसके बाद हम देखें कि अगर मेरा ए छोटा है बी से, ठीक है, इफ़ ये अगर डाले, हम कुछ भी डाल सकते हैं, ए बड़ा भी डाल सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग मतलब अपॉर्चुनिटी, से ए बड़ा होगा अगर तो यस, अगर ए बड़ा है तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ दिया हुआ ए छोटा, तो ए छोटा है अगर बी से तो ये वाला कंडीशन हो गया कि बी बड़ा है, मतलब अगर बी बड़ा है तो बिग में बी डाल दिया, स्मॉल में ए डाल दिया। अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स ये है तो बिग में ए डाल दिया और स्मॉल में बी डाल दिया। उसके बाद हमारा जो भी बिग में आया वहाँ यह डिस्प्ले हो जाएगा, आउटपुट यहाँ दिखा पाएंगे हम पैलोग्राम डायग्राम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा और फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंडिंग एन फैक्टोरियल, मतलब कोई ऐसा नंबर है जिसका जिसको बताया गया कि उसका फैक्टोरियल कितना होगा, तो आपको इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से दिखाना है, बताना है कि आइडियाज को रिप्रेजेंट करना है कि ये कैसे कैसे हो सकता है। अभी तो प्रॉब्लम लैंग्वेज लोग पढ़े नहीं है, तो हम पहले फ्लो चार्ट की हेल्प से बता पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से भी जानेंगे सब चीज़ को, पहले हम प्रोजेक्ट के हेल्प से देखते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक व्यू देते हैं आपको, आइडियाज़ देते हैं कैसे कैसे करना है, आप कंप्लीटली आप कीजिएगा बट आइडियाज़ हम दे रहे हैं। पहले आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट तो करोगे ही सब सारे प्रोग्राम करना है, एंड देन आपको कोई इनपुट ले रहा है तो आप क्या करोगे कि आप पहले पूछोगे कि कितने नंबर, कौन सा नंबर का आपको फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है, तो वो आप इनपुट में ले रहे हो, एंड देन उसको प्रोसेस करेंगे कि जो जो नंबर आपका लिए हो, जो नंबर इनपुट दिया उससे वन तक मल्टीप्लाई करना है, वो प्रोसेसिंग में आ गया रेक्टेंगल शेप में, एंड देन उसके बाद हम आउटपुट दिखा दे कि लो भाई मैं क्या करूँ वहाँ करूँगी ना कि जहाँ से जो फैक्टोरियल है जिस नंबर का निकालना है वहाँ से वन तक का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको किसी एक वेरिएबल में रख लूँगी। ठीक है, उसके बाद आउटपुट में दिखा दूँगी कि ठीक है लो आपका आउटपुट ये हुआ, वो एक पैलोग्राम वाले शेप में। ठीक है, लास्ट में हम स्टॉप कर देंगे। तो आप एक पेज में इसका डायग्राम बना के आप कमेंट सेक्शन में इसका पिक शेयर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाएंगे कि आप समझ रहे हो, आप जान रहे हो, क्योंकि हमारा दोनों हम दोनों का एक कम्युनिकेशन का तो यही कम्युनिकेशन ही एक बातचीत करने का वे है। ठीक है, तो आप वहाँ डालोगे तब समझ पाएंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हो, हम जो अभी देखते आए वो आप समझे। ठीक है, अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, मतलब हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ये वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को हम कैसे सम करना है, फ्लो चार्ट कलर से बताओ कि पहले स्टार्ट करना, फिर इनपुट लेना, फिर प्रोसेसिंग करना है, फिर आउटपुट देना है, फिर स्टॉप भी करना है। ठीक है, तो आप इसका भी बनाओगे, एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा एक रियल लाइफ में हम खेल पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अब हम यूज कर पाएंगे फ्लोचार्ट। अब फ्लोचार्ट तो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले का था, वो हम देख चुके हैं, अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जंप करेंगे। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में हम अपने आप को देखने लगेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या किस कोई टॉपिक पे आपको कुछ मतलब वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। ठीक है, और अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप एडोराम अकेडमी को डाउनलोड नहीं किए हैं तो एडोराम अकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से उसका, या नहीं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब तक हम जितने भी पीडीएफ पढ़े हैं, जो पढ़ेंगे वो सब साफ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो एडोराम अकेडमी अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।